Hello, my dear friends. I'm Kumar Supraveen and I welcome you all on this KS Educational Hub. I hope that you, my dear friends, are doing well for your SBI clerk. Today we are with the different type of puzzle. आज हम सब एक different puzzle के साथ हैं. Maybe आप सबके लिए ये puzzle नया हो या maybe आप इनसे वाकिफ हो. लेकिन maybe ऐसा हो सकता है कि आज आप सबको इन platform से इस platform से कुछ नया सीखने के लिए मिल सकता है. जो भी हो, आप इस puzzle को पहले खुद से try करें और वीडियो को पॉज करें और देखें कि आप किस तरीके से और कितने देर में बना रहे हैं और फिर हम सब चलेंगे इसके सॉल्यूशन और इसके अप्रोच पर. तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व किया जाए. क्या आपको बोला गया JKLMNOPNQ आर 8 लेडीज हु आर लिविंग इन द सेम कॉलोनी एंड दे आर मीटिंग इन ए किटी पार्टी. यू नो, आपके 8 लेडीज हैं जो कि एक ही कॉलोनी में रहना हो रहा है और एक किटी पार्टी के मीटिंग में सब कोई अटेंड कर रही हैं. एंड दे आर सिटिंग अराउंड ए ट्रायंगुलर टेबल. ना आज रेक्टेंगुलर है, ना स्क्वायर, ना सर्कुलर. टुडे इज ट्रायंगुलर टेबल. फेसिंग टू द सेंटर इन ए हाउस, इन द हाउस ऑफ वन ऑफ द मेंबर. किसी यू नो एट लेडीज के किसी एक मेंबर के घर में वो सब एक ट्रायंगुलर टेबल पे सेंटर की तरफ फेस करके बैठी हुई हैं. दे आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टीवी सीरियल्स एंड दे लाइक इवन डिफरेंट टीवी सीरियल्स एंड दे आर टॉकिंग अबाउट देयर फेवरेट टीवी सीरियल्स. एंड टीवी सीरियल्स आपका क्या है? इश्कबाज, नामकरण, कुमकुम भाग्य, उड़ान, सुहानी, नच बलिए, नागिन एंड उत्तरण. बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर. ठीक है, ये तो आपका इंफॉर्मेशन 8 लेडीज 8 सीरियल्स आपका दिया गया है. द टेबल इज इन द इक्विलैटरल ट्रायंगल शेप. मतलब तीनों के तीनों साइड क्या बराबर होने वाले हैं ट्रायंगुलर टेबल के. ठीक है, एंड द टेबल इज इन द इक्विलैटरल ट्रायंगल शेप. वन लेडी सिट एट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल. मतलब क्या हो गया, कोई एक लेडीज है जो कि किसी कॉर्नर पे बैठी होंगी. सपोज आप सबके लिए चलिए ड्रॉ करते हैं. कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. सपोज आपने ये देखा कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तीनों के तीनों साइड बराबर. उसमें क्या बोला गया आपको, वन लेडी सिट एट वन ऑफ द कॉर्नर. कोई एक कॉर्नर पे आपकी, कॉर्नर आपका क्या हो गया, ये हो गया, कोई एक कॉर्नर पे आपकी एक लेडी बैठी हुई है. ठीक है, कॉर्नर ऑफ द टेबल. एंड वन सीट जस्ट अपोजिट टू हर इन द मिडिल ऑफ द फ्रंट साइड. सपोज आपका क्या हो गया, कोई एक लेडी अगर इस कॉर्नर पे बैठती है, उसके ठीक अपोजिट में जो है साइड, ये साइड हो गया, उसके ठीक अपोजिट साइड में बैठी हुई है मिडिल में. ये आपको बोला गया ना, जस्ट अपोजिट टू हर इन द मिडिल ऑफ द फ्रंट साइड, इन द मिडिल ऑफ द फ्रंट साइड. समझ रहा हूँ इस बात को, समझिएगा. आपके पजल में कुछ नहीं रखा है, जो इन्फॉर्मेशन है मेन आपको इसको टैकल करना है, इसको आपको समझना है और ध्यान से समझिएगा. फिर आपको पूछने की या फिर आपको सोचने की जरूरत ना पड़ेगी. मैं आपको बहुत अच्छे से इन चीजों को क्लियर करने वाला हूँ. क्या बोला गया, कोई एक कॉर्नर पे जो एक लेडी किसी कॉर्नर पे बैठी हुई है, उनके ठीक अपोजिट में जो आपका साइड है ट्रायंगुलर ट्रायंगल का, उसके ठीक मिडिल में बैठी हुई है. ठीक है, ये पॉइंट आपने क्लियर कर लिया. जस्ट अपोजिट टू हर इन द मिडिल ऑफ द फ्रंट साइड. थ्री लेडी सिट ऑन द ईच अदर टू साइड. अच्छा, एक साइड तो आपका कंफर्म हो गया कि जो इसके अपोजिट में बैठी वो मिडिल में बैठी होंगी, लेकिन और बाकी के क्या दिया हुआ है, थ्री लेडी सीट ऑन ईच अदर टू साइड. बाकी के दो साइड आपके बचे और इस दो साइड में क्या है ना कि तीन तीन लेडी बैठी हुई हैं. ये आपको बोला गया, द लेडी सिट एट द कॉर्नर. ये तो हो गया, सॉरी 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 सॉरी. ठीक है, चलिए ये देखिए, थ्री लेडी सिट एट सिट ऑन ईच अदर टू साइड. थ्री लेडी सीट ऑन दी ईच अदर टू साइड. सपोज आपने क्या क्या, मान लीजिए यह एक आपका कॉर्नर पे कोई एक लेडी बैठी हुई है, तो ठीक अपोजिट में क्या हो गया, कोई एक लेडी ऐसे बैठी होंगी और क्या हो गई, इनके अपोजिट में जो साइड आ रहा है उसके मिडिल में बैठी हुई है. बाकी के तीन लेडी ईच ऑन साइड बोला है, बाई ऑन दी बोथ साइड. बाकी के दो साइड आपके बचे हुए हैं, इन दोनों साइड पर तीन तीन लेडी बैठी हुई है, तीन तीन लेडी ऐसे करके बैठी हुई है. समझ रहे होंगे इस बात को आप सब. ये आपका ट्रेंगुलर टेबल, कोई एक कॉर्नर पे एक लेडी बैठी है, उसके ठीक अपोजिट में दूसरी लेडी बैठी है, वो क्या सेंटर की तरफ फेस करके उस साइड के ठीक मिडिल सेक्शन पे. बाकी के और तीन तीन लेडी जो दो साइड बचा हुआ है उसके
दोनों साइड पे तीन तीन लेडी बैठी हुई हैं। क्लियर? यहां तक तो कोई दिक्कत अभी तक नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है? इच अदर टू साइड, द लेडी हु सिट एट द कॉर्नर सिट्स एट द पॉइंट वेयर द साइड्स ऑन ऑन विच द थ्री लेडीज सिट कोइंसाइड। अच्छा, जो एक लेडी आपके कॉर्नर पे बैठी हुई है उनके बारे में क्या बोला गया कि जो बाकी के तीन लेडी आपके साइड पर बैठी हैं उनका जो लाइन जाकर कोइंसाइड होगा और जो कॉर्नर बनाएगा उसी कॉर्नर पे आपकी वो कॉर्नर वाली लेडी बैठी होंगी, ये बोला गया। द लेडी हु सिट एट द कॉर्नर सिट एट द पॉइंट वेयर द साइड्स ऑन विच थ्री लेडीज सिट कोइंसाइड। ठीक है, ये समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, आपको जो समझाना था वो यहां तक था, बाकी के इंफॉर्मेशन आप भी डील कर सकते हैं, हम भी डील कर सकते हैं, लेकिन देखा जाए कि कैसे किया जाना है। ओ इज सीटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर, आपको क्या मालूम चला कॉर्नर पे तो एक ही लेडी कोई भी बैठी है। ओ आपका कोई कॉर्नर पे बैठी है, सपोज आपने क्या लिया, ओ आपका लेडी है और वह किसी कॉर्नर पे बैठी हुई है। ओ इज सीटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर, द पर्सन हु आर सीटिंग एट द साइड ऑन विच थ्री पर्सन आर सीटिंग आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इच अदर। क्या बोला गया, द पर्सन हु आर सीटिंग एट द साइड ऑन विच थ्री पर्सन आर सीटिंग, या लेडी आप समझ लीजिए पर्सन की जगह पर, जो तीन लेडी आपके जो साइड पे बैठी हुई हैं, तीन तीन लेडी, वह सारी की सारी लेडी क्या है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इच अदर, इक्वल डिस्टेंस है उन सबका। सपोज इनके बीच में मान लीजिए एक एक मीटर का डिस्टेंस हुआ, सपोज ऐसा, तो एक एक मीटर का डिस्टेंस पे ये तीनों लेडी इस साइड पे ये तीन और इस साइड पे ये तीन ऐसा बैठी होंगी, इनके बीच का डिस्टेंस क्या इक्वल है। ठीक है, ठीक है, इज सिटिंग एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इच अदर। फिर आगे क्या बोला गया, एम इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक उत्तरन सीरियल, एम इज सिटिंग सेकेंड राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक कौन, उत्तरन। चलिए, उत्तरन सीरियल आपने देखा, उत्तरन सीरियल के क्या बोला गया, एम इज सिटिंग सेकेंड राइट है, सेकेंड राइट में आपका एम है, ये आपको एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, करेक्ट। फिर देखिए, एम इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स नच बलिए, नच बलिए जहां भी आपका है या जहां भी आपका जो सीरियल होना है नच बलिए, उसके क्या बोला गया, एन थर्ड लेफ्ट में, मतलब क्या हो गया, थर्ड लेफ्ट में आपका एन हो गया, करेक्ट, थर्ड लेफ्ट में आपका एन हो गया नच बलिए से। ओ एंड पी आर सिटिंग अपोजिट टू इच अदर, आपने क्या देखा, ओ एक कॉर्नर पे बैठी है लेडी, तो उसके ठीक अपोजिट वाले में क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ओ एंड पी आर सिटिंग अपोजिट, और सारी की सारी लेडी जो है वो डायरेक्शन क्या है उन सबका, फेस टुवर्ड्स द सेंटर, इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। ओ एंड पी आर सिटिंग अपोजिट टू इच अदर, करेक्ट, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी एल इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक नच बलिए, अच्छा एक नच बलिए से क्या बोला गया, नच बलिए के थर्ड लेफ्ट में एन है, लेकिन फिर बोला गया कि एल इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ नच बलिए, क्या बोला गया, एल इज सिटिंग, चलिए नच बलिए आपका जहां भी अब होना है, नच बलिए के इमीडिएट लेफ्ट है ना, इमीडिएट लेफ्ट, राइट, इमीडिएट लेफ्ट में आपका क्या हो गया, एन हो गया। ये दो इंफॉर्मेशन आपका नच बलिए से रिलेटेड दिया हुआ है। एल इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक नच बलिए, के इज सिटिंग एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओ, आपका पता यहां है, के इज सिटिंग सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओ एंड द पर्सन हु लाइक इश्कबाज इज सिटिंग इन द अनदर साइड, मतलब क्या हो गया, के आपका जो डिस्टेंस पे होगा ओ से, जो डिस्टेंस पे के होना है ओ से, उसके ठीक अपोजिट में, या फिर आप बोल सकते हो उसके अनदर साइड में इस बाज होना, और इस बाज का भी आपका डिस्टेंस सेम होगा ओ से, ये बोला गया ना। देखिए क्या बोला गया, सॉरी, एल इज सिटिंग एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओ एज द पर्सन हु लाइक इश्क बाज इज सिटिंग इन दी अनदर साइड, सिटिंग इन दी अनदर साइड, और सेम डिस्टेंस क्या होना है, के का भी वही डिस्टेंस होगा ओ से और इश्क बाज का भी वही डिस्टेंस होगा ओ से। चलिए एक पॉइंट बनाइए इसको, कि ओ का जो डिस्टेंस होना है के से
और ओ का जो डिस्टेंस होना है किसका, इश्कबाज का, इश्कबाज, क्या क्या नाम है, इश्कबाज, ये डिस्टेंस आपका सेम होना है, पॉइंट, गॉट दैट। चलिए फिर आगे आप देखिए क्या बोला गया है। द पर्सन हु लाइक उड़ान इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक सुहानी। क्या बोला गया, जो उड़ान लाइक कर रहा है वह क्या है, सेकेंड राइट है किसके, सुहानी के। चलिए जो उड़ान लाइक कर रहा है वह सुहानी के सेकेंड राइट है, सुहानी के सेकेंड राइट में क्या है, द पर्सन हु लाइक उड़ान इज सिटिंग सेकेंड राइट ऑफ द वन हु लाइक सुहानी। उड़ान, गॉट दैट, ये आपको पॉइंट दिया हुआ था। द पर्सन हु लाइक उड़ान इज सिटिंग सेकेंड राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक सुहानी एंड सेकेंड लेफ्ट ऑफ जे। कौन सेकेंड लेफ्ट ऑफ जे होगा, उड़ान, उड़ान क्या होगा, जे के सेकेंड लेफ्ट होगा। ये दो पॉइंट आपका दिया गया है उड़ान से रिलेटेड, एक टर्म क्या सुहानी के सेकंड राइट और एक में जे के सेकंड लेफ्ट। जे हु इज नॉट सिटिंग नियर टू द नागिन, इसका क्या मतलब होगा, जे और नागिन आपका जहां भी है वह एडजेसेंट नहीं होना है। इन चीजों को हम सब जूम करके भी चलेंगे, अभी बस आप समझते हुए चलिए। सुहानी एंड द पर्सन हु लाइक उड़ान आर नॉट ऑन सेम साइड ऑफ द टेबल। सुहानी और क्या, उड़ान आपके सेम साइड ऑफ द टेबल पे नहीं होगा। सेम साइड का क्या मतलब, एक साइड या एक साइड या एक साइड या, अगर मान लीजिए सुहानी यहाँ होना है तो उड़ान इस साइड में अब कहीं नहीं होना है, मतलब आपको यही बोला गया कि सुहानी और उड़ान नॉट ऑन सेम साइड, सुहानी एंड उड़ान क्या होना है, सेम साइड पे नहीं होना है, सेम साइड, ठीक है। सुहानी एंड द पर्सन हु लाइक उड़ान नॉट ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल। फिर क्या बोला गया, उड़ान इज सीटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ उतरन। फिर एक पॉइंट आपको क्या, उड़ान से कि उड़ान थर्ड राइट है किसके, उतरन के। मान लीजिए उतरन आपका यहां कहीं भी होना है, उसके क्या है, थर्ड राइट है ना, थर्ड राइट, एग्जैक्टली थर्ड राइट क्या है, उड़ान, करेक्ट, ये आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। उत्तरण हु इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू, क्या दिया हुआ है, उड़ान इज सिटिंग थर्ड राइट ऑफ द उत्तरण। उत्तरण हु इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट हु लाइक इधर नाम, नामकरण एंड द नच बलिए। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया आपका, इसका क्या मतलब हो गया कि जो उत्तरण है हु इज सीटिंग, अच्छा यहां पर नॉट होगा, सॉरी, हु इज नॉट सीटिंग डायगोनली अपोजिट हु लाइक इधर नामकरण और नच बलिए। जो आपका उत्तरण है वह क्या है, डायगोनली अपोजिट नहीं है, चलिए DIAG बस कर दीजिए, डायगोनली अपोजिट किसके नहीं है, ना तो नामकरण के और ना ही आपका क्या था, नच बलिए के। ये क्या होगा, डायगोनली अपोजिट नहीं है, जहां भी आपका उत्तरण हो वह डायगोनली अपोजिट नहीं होगा नामकरण और नच बलिए के। ये आपको इंफॉर्मेशन था, अब आपको देखने की भी जरूरत नहीं है इसे। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आई होप कि आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। चलिए देखते हैं इसको आगे कैसे डील किया जाए, आप सबको जूम करके इसको दिखा दिया जाए, आई होप कि आप लोगों को आप क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अच्छा देखिए, पी के आप लोगों को क्या टर्म है, ओ और पी आप लोगों को टर्म दिया गया है, बाकी और जो डेटा आपने कलेक्ट किया वो ये था। अब पी से रिलेटेड डेटा देखिए, अच्छा एक टर्म हम लोगों ने पढ़ने के टाइम पे छोड़ दिया, क्या, पी सीटिंग इन द मिडिल ऑफ द साइड एंड राइट ऑफ द नागिन। नागिन के राइट में आपका क्या है, जहां भी आपका नागिन है उसके राइट में आपका पी होना चाहिए, ये एक टर्म हम लोगों से छूट गया था। चलिए पी के और ओ के टर्म में रिलेटेड आपने डाटा क्या देखा,
पी और ओ किसी सेंटर पे, उसके ठीक अपोजिट में पी। बोला क्या गया कि नागिन के राइट में कहीं पी होगा। राइट का पी मतलब क्या होना है आपका? मे बी। नागिन अगर यहाँ पे कहीं होना है तो भी राइट होगा, यहाँ पे कहीं होना है तो भी राइट होना है, और यहाँ पे कहीं हुआ तो भी राइट होना है। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि नागिन यहाँ भी तो हो सकता है या नागिन यहाँ भी तो हो सकता है, तो आप यह देखिए कि अगर नागिन या छोड़ आप यहाँ कहीं डालते हैं तो ये राइट के ज्यादा होने से मतलब आप राइट से ज्यादा तो यह लेफ्ट का सिचुएशन बन जाएगा ना, राइट से ज्यादा यह लेफ्ट का सिचुएशन बन जाएगा। लेकिन इन चीजों को आप दिमाग में ना लाइएगा। आपको राइट बोला है तो आपको राइट लेना है, या ना कि आप लेफ्ट से। आपको सर्कुलर अरेंजमेंट में बोलता है, अगर ऐसा बोला जाता है कि आर के राइट में जे है, इसका क्या मतलब आप उसको लेफ्ट के डायरेक्शन पे नहीं ले लेते हैं? दो तीन छोड़कर आपका कहीं भी राइट में हो सकता है या इमीडिएट हो सकता है, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकता है। फिर एक आपके अंदर सवाल आएगा कि ऐसा भी तो हो सकता है नागिन यहाँ हो जाए तो भी उसके राइट होगा। राइट होगा, लेकिन ये तो आपका अपोजिट हो रहा है। ठीक है, अगर ऐसा ही उसको देना रहता तो वो अपोजिट वाला टर्म क्यों ना दे देता? वो राइट बोला, राइट में भी आपके पास तीन तीन पॉसिबिलिटी है, मे बी यहाँ या यहाँ या यहाँ हो सकता है। आप इन चीजों को सोच के चलना है, या ना कि आप यहाँ सोच लिए या फिर यहाँ सोच लिए। आपको थोड़ा भी सोचना है तो थोड़ा अच्छे तरीके से सोचना है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि मे बी नागिन यहाँ या यहाँ या यहाँ होगा तो राइट होना है इसके पी। क्लियर? ठीक है, चलिए ये चीजें तो आपने देख ली। अब देखिए टर्म आपको क्या है, आपने जब देखा नच बलिए से रिलेटेड टर्म, देखिए आपके पास एक नच बलिए के थर्ड लेफ्ट में एन है, फिर नच बलिए के इमीडिएट लेफ्ट में एल है। मतलब दो टर्म आपका नच बलिए से दिया हुआ है कि नच बलिए के थर्ड लेफ्ट में एन होना है और नच बलिए के इमीडिएट लेफ्ट में एल होना है। ठीक है, ये चीजें हो गई। फिर आपको दिया हुआ है क्या, सुहानी के सेकेंड राइट में आपका उड़ान है, लेकिन जे के सेकंड लेफ्ट में आपका उड़ान फिर है। इसका क्या मतलब कि जे उड़ान आपका दोनों में अगर कॉमन है तो उड़ान अगर कहीं बीच में ऐसा होना है तो सुहानी के क्या होगा, वो सेकंड राइट हो जाएगा। और सारा कुछ सेंटर फेस कर रहा है, मतलब आपके सेकंड राइट होना है, सेकंड आपके होना है लेफ्ट और राइट वाला सिचुएशन। सुहानी के सेकंड राइट में आपका उड़ान, और फिर क्या होना है, जब सुहानी के सेकंड राइट में उड़ान है तो उड़ान एक बार फिर जे के सेकंड लेफ्ट हो जाएगा। मतलब इन चीजों को लिख के देखिए, आप छोटी सी बातें समझने की भी कोशिश कीजिए। सुहानी मान लीजिए आपका यहाँ कहीं है, सुहानी अगर यहाँ पे है कहीं, और उसके अगर सेकंड राइट में आप क्या बोल रहे हैं, मतलब क्या एक जगह छोड़ दूसरा जगह पर क्या होगा, उड़ान। क्लियर है ना इन चीजें? उड़ान अगर यहां पर है तो देखिए, उड़ान अगर यहां है तो फिर क्या बोला गया, जे के सेकंड लेफ्ट में भी उड़ान है। मतलब क्या एक जगह छोड़ यहां पर आपका क्या होगा, जे होगा, और इसके फिर क्या हो जाएगा, और यह कॉमन है, यह इसके सेकंड लेफ्ट हो जाएगा और यह इसके सेकंड राइट हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में आपने क्या देखा कि उड़ान जे के सेकंड लेफ्ट हो गया, सुहानी के क्या हो गया, सेकंड राइट हो गया। क्लियर? फिर आपको क्या बोला गया, एक टर्म देखिए कि सुहानी और उड़ान जो है वह दोनों का दोनों सेम साइड पे नहीं होगा। मतलब क्या, अगर यहाँ ये चीजें मैंने आपको बताई है पहले, सुहानी और उड़ान दोनों सेम साइड पे नहीं होगा। फिर आपको टर्म क्या है, नागिन के राइट में, अब मतलब ये चीजें तो आपको क्लियर हो गई कि ऐसा ही इन लोगों का कहीं सिचुएशन होने वाला है। 1 2 3 4 5, ये 5 आपने कंप्लीट कर लिया कि कहीं ना कहीं ऐसा होगा। बस आपको क्या करना है, पुट। देखिए अब आपको बोला क्या गया कि नागिन के राइट में ही पी होगा। सपोज आपने अगर नागिन को यहां लिया, सपोज आपने नागिन को यहां ले लिया अगर, ठीक है, यह अगर नागिन हो गया तो नागिन के राइट में तो पी हो रहा है। और क्या बोला गया कि नागिन और जे फिर इमीडिएट नेबर नहीं होगा। और आपको क्या पता है, जे से आपने टर्म इतना कुछ निकाला हुआ है, अगर जे और नागिन इमीडिएट नेबर नहीं होगा, मतलब अब यहां तो जे होना नहीं है, तो जे कंडीशन है कि यहां पे नहीं होगा, लेकिन जे यहाँ या यहाँ या यहाँ या यहाँ, इन तीनों जगह पर हो सकता है। तो बस आप इसको देखिए पुट करके, अगर सपोज आपने जे को यहाँ लिया और जे के क्या है, यह लेफ्ट है और यह क्या है, राइट है, तो जे का लेफ्ट क्या हो जाएगा, यहाँ इस कंडीशन में इधर होना है, और जे के आप देखे क्या, फर्स्ट और सेकेंड लेफ्ट में आपका क्या था, उड़ान था, तो यहां पर तो नागिन है, तो जे यहां से उड़ान तो होना संभव नहीं है। मतलब जे आप मतलब आपने क्या देख लिया, जे यहां तो होगा नहीं। अब
अगर जे यहां होता है तो सेकेंड लेफ्ट इसका क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट में उड़ान। क्लियर, ये आपने क्या देखा, सेकेंड लेफ्ट में आपका उड़ान। फिर आप अगर उड़ान यहां पर लिए तो उड़ान के क्या था, सेकेंड राइट, सुहानी के सेकेंड राइट में आपका उड़ान है। लेकिन यहां इन चीजों को जब आप देख रहे हैं तो फिर देखिए ये उत्तरण जो है उसके सेकेंड राइट में एम है। क्लियर, उत्तरण के सेकेंड राइट में आपका क्या है, एम। और उसी में एक टर्म आपका क्या दिया हुआ है, उत्तरण के थर्ड राइट में भी उड़ान है, मतलब उड़ान से रिलेटेड और भी डाटा है। तो इन चीजों को भी देखिए, अगर थर्ड राइट है इसका क्या मतलब, राइट तो ये डायरेक्शन होगा और फर्स्ट सेकेंड थर्ड मतलब कहीं ना कहीं आपका होगा उत्तरण, आपका कहाँ होने वाला है, यहां ही होगा। और उत्तरण अगर यहां हो जाता तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड राइट में आपका क्या उड़ान हो गया। उत्तरण से रिलेटेड डाटा एक एम का दिया हुआ है क्या, उत्तरण के सेकेंड राइट में आपका एम है, मतलब फर्स्ट तो ये हो जाएगा और सेकेंड राइट एम यह हो जाएगा। क्लियर, अब आपने क्या देखा, 1 2 3 4 5 6 हो गए टोटल, आपको क्या है 8 है मेंबर और 6 आपने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए ये जे वाली तो कंडीशन इसमें मतलब गलत हो गया था, अगर आपने यहां पे पुट किया तो जे के सेकेंड लेफ्ट में आपका क्या है, फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट में उड़ान, उड़ान के ठीक लेफ्ट में आपका क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। और आपने क्या देखा, पी मतलब क्या, यहां पर भी आपने कट कर दिया। फिर यहां पर देखिए अगर जे यहां होता है तो फर्स्ट सेकेंड यहां उड़ान है, उड़ान के ठीक इमीडिएट लेफ्ट में क्या, एम है, और एम के ठीक इमीडिएट लेफ्ट में क्या, सुहानी है, और सुहानी के ठीक इमीडिएट लेफ्ट में क्या, उत्तरण है। और आपने यहां अगर नागिन लिया हुआ तो उत्तरण क्या हो सकता है यहां पे कभी, मतलब जे का कंडीशन यहां भी आपने गलत कर दिया। अगर जे आपने यहां लेके देखना है तो क्या होगा, जे के ठीक सेकेंड पे आपका क्या है, उड़ान है, उड़ान के ठीक बाद आपका क्या है, एम है, और एम के ठीक बाद आपका क्या है, सुहानी। फिर एक टर्म क्या था, सुहानी और उड़ान दोनों सेम साइड पे नहीं होगा, आपने क्या देखा, उड़ान अगर यहां आ रहा है तो सुहानी यहां पर नहीं होना है क्योंकि सेम साइड हो जाएगा, मतलब लिटरली यहां पर भी जे गलत हो गया। अगर नागिन को आपने यहां लिया तो भी ये गलत हो रहा है, इसका क्या मतलब कि नागिन यहां पर तो अब होगा नहीं। बस इन चीजों को आपको सोचना है, इन चीजों को मैं आपको बताने में टाइम लगा रहा हूं लेकिन आप अगर खुद से देखेंगे तो बहुत जल्दी हो सकता है, आपको पेन और पेन भी पिक करने का जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, बस आप देखते जाए ऐसा 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 बस कंप्लीट। अगर आप नागिन यहां लेके चलते हैं सपोज, तो अब क्या होगा, जे तो इमीडिएट नेबर नागिन का नहीं है, मतलब यहां और यहां जे नहीं होना है, तो जे कहां, इन तीन जगह पर कहीं भी हो सकता है। सपोज आपने जे को अगर यहां लिया तो फर्स्ट सेकेंड यहां उड़ान और उसके ठीक बाद एम, जो कि पॉसिबल नहीं है पी के कारण। फिर आप अगर जे यहां लेते हैं तो फर्स्ट सेकेंड यहां पर उड़ान और उसके बाद ठीक एम, और एम के बाद ठीक क्या था, सुहानी, मतलब नागिन के कारण वो भी नहीं होगा। अगर जे आपने यहां लिया तो देखिए फर्स्ट और ये सेकेंड उड़ान और उसके बाद फिर एम, और एम के बाद फिर क्या है, सुहानी, फिर से उड़ान और सुहानी क्या हो गया, आपका एक ही जगह पर हो जाता है, मतलब एक ही साइड में हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। क्या जे के बाद आपका सेकेंड पे उड़ान और उड़ान के ठीक बाद आपका एम, और एम के बाद ठीक आपका सुहानी, मतलब दोनों का दोनों गलत। लिटरली आपने क्या देखा, अगर नागिन आपने यहां लिया तीन तीनों जगह पर फिर जे नहीं हो रहा है तो कंप्लीट है कि नागिन यहां भी नहीं होगा, तो एक ही जगह फिर आपके पास क्या, नागिन का यहां बच रहा है। अगर नागिन आप यहां ले लेते हैं तो क्या होगा, एक ही जगह आपके पास नागिन का यह बचा, और नागिन अगर आपने यहां लिया तो फिर एक टर्म क्या हो जाएगा आपका, नागिन अगर यहां हुआ तो नागिन के ठीक नेबर में आपका जे कहीं नहीं होगा, मतलब जे यहां नहीं तो जे यहां हो सकता है। ठीक है, जे अगर यहां हुआ तो उसके बाद क्या आपका फर्स्ट सेकेंड में उड़ान, उड़ान के बाद ठीक एम, और एम के बाद ठीक सुहानी, सुहानी के ठीक बाद आपका क्या हो जाएगा, उत्तरण। क्लियर, मतलब क्या ये पॉसिबल है कि अगर जे यहां हो जाए तो, इन चीजों को समझिएगा। लेकिन जब आपने क्या देखा कि जे यहां लिया आपने, उड़ान यहां हुआ, एम यहां, सुहानी वहां, तो एक ही साइड में फिर क्या हो गया, सुहानी और उड़ान, तो इसका मतलब ये भी गलत, तो जे का टर्म यहां नहीं। जे अगर यहां होना है तो देखिए क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड उड़ान फिर आपका क्या एम है, मतलब जे यहां नहीं। क्या देखा आपने, जे यहां भी नहीं, यहां और यहां आपने कैंसिल कर दिया, तो फिर जे यहां हो सकता है, जे यहां तो फर्स्ट सेकेंड उड़ान फिर आपका क्या एम, और एम के बाद सुहानी, सुहानी के बाद फिर क्या था, उत्तरण। ये तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ। अगर यहां आप देखते हैं तो फिर जे और ये वाला पहले जो हम लोगों ने देखा कि वही कंडीशन हो जाएगा, सुहानी उड़ान वाला सेम हो जाएगा।
मतलब अगर देखिए, चलिए इसको देखिए, जे अगर यहाँ है तो फर्स्ट सेकंड उड़ान होगा, और ऐसे भी आपका गलत हो गया, उड़ान तो यहाँ होगा नहीं, क्लियर। मतलब जे यहाँ नहीं, तो आपके पास जे का कहाँ जगह बच रहा है, बस, और बस जे आपका यहाँ बच रहा है, जे यहाँ, तो फर्स्ट सेकंड में आपका क्या हो गया, उड़ान हो जाएगा, क्लियर। यह अगर उड़ान है तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यह एम हो जाएगा। अगर यह एम है तो उसके ठीक बगल में आपका क्या हो जाएगा, सुहानी, क्लियर। यहां अगर सुहानी है तो ठीक उसके बगल में क्या हो जाएगा, उत्तरण हो जाएगा, उत्तरण हो जाएगा। ये चीजें आपने देख ली, तीन चीजें और ये चार कंप्लीट हो गया, क्लियर। अब आपको क्या बोला गया है, आगे जो आपने देखा, आगे आपने देखा कि आपको ये और ये और ये कंप्लीट हो गया है। एक टर्म आपका क्या था कि ओ से इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए के का, और ठीक उसके दूसरे साइड में इस बाज का, मतलब ओ से वो डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ये आपने देखा, ठीक है। चलिए, ओ और के, अगर आप के इस मतलब साइड पे कहीं भी लेते हैं तो ठीक उसके क्या होगा, दूसरे साइड पे इस बाज का, और ठीक अपोजिट होना चाहिए। तो आपने क्या देखा, यहां तो उत्तरण, यहां पे क्या सुहानी, और यहां पे नागिन, ये तीनों चीज यहां पे कंफर्म है, तो इस बाज इस साइड में तो आना नहीं है कभी, तो इस बाज आना भी है तो यहां इस साइड में आएगा, तो के आपका कहीं ना कहीं यहां पर हो जाएगा। अगर के यहां पर होता है तो इस बाज और के का इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए यहां से। अब देखिए, इसको एक अच्छे फिगर से आपको बता दिया जाए। सपोज एक फिगर इसमें ड्रॉ कर लिया जाएगा, आपने क्या देखा कि मे बी, अगर आप छोटी सी बात समझिएगा यहां पर, कि अगर आप यहां लेकर चलते हैं तो क्या होगा, इस बाज यहां हो जाएगा, और आपका ऑलरेडी यहां पर एम तो कंफर्म है, यहां पर के होगा नहीं, कि अगर यहां लेकर चलते हैं तो इस बाज यहां हो जाएगा। चलिए, इन चीजों को आप देखिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया जाए, बहुत छोटा छोटा हम लोगों ने लिख लिया, अब छोटा नहीं, ये आपका था। चलिए, उत्तरण आपने क्या देखा, यहां पर होगा, दूसरा आपने क्या देखा, सुहानी यहां पर होगा, और फिर आपका क्या था, नागिन यहां था, क्लियर। नागिन आपका यहां था, और यहां पर आपका P, यहां O, और नागिन पे आपका क्या था, M, क्लियर है ना। यहां पर आपने J लाया हुआ था, और एक ही आपको कंडीशन आपने देखा J के लिए, यार सही होगा। सपोज आप इन चीजों को समझिएगा, अगर सपोज आपने K को यहां ले लिया, एक कंडीशन K अगर यहां लेते हैं, अगर K यहां लिए तो इस बाज कहां, यहां हो जाएगा, अगर K आपने यहां लिया तो इस बाज कहां, यहां हो जाए, मतलब इस बाज अगर यहां आप दे देते हैं, ठीक है, इस बाज अगर आपने यहां दिया तो इस कंडीशन में के यहां है तो इस बाज आपका कहां, यहां हो जाएगा। अब देखिए, इस बाज का इक्वल डिस्टेंस हो गया और ये के का भी इक्वल डिस्टेंस हो जाएगा ओ से, ठीक है। फिर एक टर्म क्या था, उत्तरण जहां भी है उसके ठीक डायगोनली, ये उड़ान था, बाद में फिर मिस होगा, चलिए उड़ान था, उत्तरण जहां भी है उसके डायगोनली अपोजिट में नामकरण और नचबलिए नहीं था, राइट। नामकरण और नचबलिए नहीं था। आपने क्या देखा, आपके पास कितने जगह बचे हुए हैं, एक दो और तीन, और डेटा भी आपके पास क्या बचा, एक नचबलिए, एक नामकरण, ठीक है, एक नचबलिए, एक नामकरण, और एक क्या बचा आपके पास, कुमकुम। जब हम लोगों ने यहां पर देखा तो क्या देखा था, कुमकुम, कुमकुम भाग्य, मतलब ये जो तीन आपके पास बचा हुआ है, यही तीन आपका कहीं होना है, जिसमें आपको क्या बोला गया, इन तीनों में से यहां पर जो डायगोनली अपोजिट होगा उत्तरण के, वो नामकरण और नचबलिए तो होना नहीं है, तो एक ही आपके पास बच रहा है तीन में से, और वो है क्या, कुमकुम, राइट। यहां पर भी आपका क्या हो जाना है, कुमकुम, ये तो कंफर्म हो गया कि कुमकुम, कुमकुम आपका कहां, यहां पर ही होगा।
राइट। अब देखिए नच बलिया आपके पास क्या बचा, नच बलिया और नामकरण या तो यहां होगा। नच बलिए से रिलेटेड तीन दो डाटा आपको जो दिया हुआ था, नच बलिए के थर्ड लेफ्ट में आपका एन है। अगर नच बलिए आप यहां लेते हैं तो उसके थर्ड लेफ्ट आपका क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन आपका लेफ्ट हो जाएगा। थर्ड लेफ्ट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट एल हो रहा है। अगर नच बलिए यहां ले लेते हैं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में एल नहीं पॉसिबल है। क्लियर, मतलब एल यहां नहीं होगा। तो लिटरली आपने क्या देखा कि नच बलिए वाला कंडीशन में एल यहां हो रहा है, और फिर सॉरी एल थर्ड लेफ्ट में एन था, गलती से बोला मैंने, यहां पर एन, और फिर नच बलिए के इमीडिएट लेफ्ट में एल है। मतलब अगर नच बलिए आपने यहां लिया तो इमीडिएट लेफ्ट आपका एल ये हो जाएगा। मतलब दोनों का दोनों कंडीशन ये एन और एल वाला सही हो रहा है। इस कंडीशन में भी आप क्या देख सकते हैं, आपने यहां तो इसके बाद ले लिया था, अगर आपके पास यहां दो जगह बचा हुआ, अगर नच बलिए यहां लेते हैं तो इसका इमीडिएट लेफ्ट में आपका क्या एल तो हो जाएगा, लेकिन नच बलिए के थर्ड लेफ्ट में एन चाहिए। फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में आपका एम होने के कारण एन नहीं हो पाएगा। क्लियर, इसका क्या मतलब कि आपके इस सिचुएशन और इस सिचुएशन दोनों में ही नच बलिए यहां ही हो सकता है। अगर नच बलिए सपोज आपने यहां ले लिया, क्लियर, अगर नच बलिए आपने यहां ले लिया तो इस कंडीशन में भी आपका क्या होगा, नच बलिए यहां ही होगा। नच बलिए आपका यहां ही होगा, और नच बलिए के इमीडिएट लेफ्ट में आपने क्या देखा एल, और थर्ड लेफ्ट में आपने क्या देखा एन। यहां पर भी इमीडिएट लेफ्ट में क्या हो जाएगा, ये इस बाज वाले पोजिशन पे एल, और यहां कुमकुम पे आपका क्या एन हो जाएगा। अब देखिए आपका ये सारा का सारा तो कंफर्म हो गया, अब आपके पास क्या बच रहा है, एक चर्म और आपके पास कोई एक लेडी बच गई, जो कि आपका यहां पर उत्तरण तो आपका के हो गया, लेकिन सुहानी में आपका जे के एल एम एन ओ पी क्यू आपका नहीं हुआ है, तो सुहानी आपका क्या क्यू हो जाना है, और यहां पर उत्तरण क्या क्यू हो जाना है। मतलब आपके पास दो कंडीशन निकल कर आ गया, के की वजह से आपके पास दो कंडीशन निकल के आया। पहला कंडीशन आपका ये वाला, जब के सुहानी के पास हो रहा, और दूसरा कंडीशन जब के उत्तरण के पास हो रहा है। लेकिन आपके पास जब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, इधर और वाला कंडीशन होगा या कैन नॉट डिटरमिन का कंडीशन होगा, ये दो कंडीशन पे आपको चल सकते हैं। तो एल आपका एक बच गया, और वो क्या बच गया, आपका यहां पर एक जे बच गया, वह क्या बच गया, आपने नच बलिए कुमकुम वाला कंडीशन तो दे दिया, तो यह एक नामकरण बच गया, मतलब जे आपका क्या हो जाएगा, नामकरण, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा एल आपका नामकरण हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका एल नामकरण, जे इश्कबाज हो जाएगा, और एन आपका कुमकुम भाग्य हो जाना है, पी उड़ान, एम आपका नागिन, के सुहानी, और क्यू उत्तरण। और इसमें आपका क्या चेंजिंग होगा, बस के उत्तरण और क्यू सुहानी हो जाना है, और एक एल इश्कबाज हो जाएगा, और जे नामकरण, बस आपका चेंज यही दो जगह पर होना है। इसके अकॉर्डिंग आपको जो भी पजल का क्वेश्चन होगा उससे आप डील करेंगे। तो देखिए कुछ नए तरीके का पजल था, और डेफिनेटली आप लोगों को ये समझ में आया होगा जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया। अगर नहीं आया फिर भी समझ में कुछ भी पॉइंट, देन यू कैन आस्क, यू नो, विदाउट एनी हेजिटेशन, फील फ्री टू आस्क एनी टाइम। लेकिन हाँ, एक बार वीडियो के थ्रू आप देख लीजिएगा, अगर आपको फिर भी समझ में ना आया तो आप पूछिए, और ऐसा ना कि मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ हो और फिर भी आप पूछ रहे हैं, तो वो ठीक बात नहीं है। तो आप क्या कीजिए, एक बार वीडियो के थ्रू जाइए और देखिए आपको समझ में अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं अगर आता है कोई भी पॉइंट तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, और मैं आपको हमेशा रेडी हूँ हेल्प करने के लिए। तो चलिए, आप लोगों को आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, मतलब इसके दो फिगर बन गए, फिगर वन बन गए और ये फिगर टू बन गया। ठीक है, तो दोनों फिगर आपका सही है, चेंजिंग आपका कुछ पोजीशन का होगा, और लिटरली ये पजल आपने बना डाला। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम सब फिर मिलते हैं कुछ अच्छे पजल के साथ, तो आप लाइक करना ना भूलें और
शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, और अपना फीडबैक तो देते रहिए, और यह जो भी आपको डाउट होता है वो पूछते रहिए, मैं उसको क्लियर करता रहूंगा। एक बड़ी बात थी कि मैंने जब आप सबके कमेंट के थ्रू गया कल, नो कल जब आपके कमेंट के थ्रू मैं जा रहा था, तो मैंने देखा कि उसमें बहुत सारा ऐसा कमेंट था कि प्रोवाइड अस प्लीज मेंस लेवल पजल, मेंस लेवल पजल। अभी भी आप लोगों में से बहुतों को लगता है कि वो पजल टफ था, लेकिन डेफिनेटली वो पजल टफ नहीं था। और जिन्होंने ये बोला कि मेंस लेवल का पजल चाहिए, वो बहुत अच्छी बात है, और मैं ये समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अपने आप को टफ बना रहे हैं, और वैसे लेवल के पजल आपको ईजी लग रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि जब आप लोगों को पजल ईजी लगने लगेगा, इट मीन्स आपकी टफनेस बढ़ रही है। ये बहुत अच्छा गुड न्यूज़ था कल हमारे लिए जब मैं आप लोगों के कमेंट के थ्रू जा रहा था, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये चीज़ जब मैं खुद पढ़ा। तो इसका ये मतलब निकलता है, फाइनल रिजल्ट जो मुझे ये मिल रहा है कि आप लोगों के थ्रू कड़ी मेहनत हो रही है। यू गाइज आर डूइंग योर हार्ड वर्क इन द प्रॉपर मैनर। दैट्स आई गॉट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ दैट यू वॉन्ट मेंस लेवल पजल। डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बात है, एंड रियली आई अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क, योर वर्क टुवर्ड्स द यू नो टुवर्ड्स SBI क्लर्क टू अचीव समथिंग, टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, टू अचीव योर एम्बिशन। सो ये बातें बहुत अच्छी लगी मुझे कल। तो आई होप, चलिए फिर हम सब मिलते हैं, और आप सब ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, आई होप सो। तो चलिए फिर हम सब मिलते हैं कुछ अच्छे पजल के साथ।